खबर खोलो इसको बता दे। मानी चलो इंजन स्टाल हिस्ट्री 3 कोड इन स्विच बंद करें डबल स्विच ना
एक दो बारी स्विच बंद ऑन करना।
कहाँ है भाई, कहाँ है दोस्त? बैक साइड करना कर ले ये जल्दी के लिए मारी तो ठीक है, साफ करो मतलब ला जाओ, दूर ला जाओ, गड्डी तो दूर ला जाओ। इंग्लैंड मैं खोले मैं दोनों
हो गया भाई। भाई इधर देख ला, बस तैयार आ जा भाई। चाबी दे रही बड़ी
क्या फर्क है? चलो बस पर कर चल ए सही प्लग खुलेगा ना अपनी गन ले आते थोड़ा जहा टैप ला चल बस फिंगर कमा भाई तेल होर चाहिए
उल्टियाँ लाइ हूँ लाभ इसे तरह का ये सही है बैटरी नहीं आगे बैठ मार आ गया ला गया बस आवाज नहीं मिल रही थी बस आवाज का दी चलो मारी रख जरा बस मारी रख बस मारी बस ये भी लग चाबी लेंगे तू बस मारी मारी बस मारी बस हूँ मारी बस एडजस्टर की बात एडजस्टर की बात मारी फिर बस ये ठीक है मम बिना भी कोई रौला नहीं ਸਿਰਪਮ ਵੀ 100% ਆ ਚਲੋ ਇਹ ਕੱਢ ਗਿਆ ਨਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੰਜੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਪੈਪ ਲਾ ਤੇ ਇੰਜੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਾਂ ਲਾ ਕਰਾਉ ਲਾ ਤੇਰਾ ਤੋਂ ਲੈਂਪ ਕਿਹੜਾ ਤਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਤਾਰਾਂ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਿਰੇ ਦਿੱਤੇ ਇੱਦਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਵੱਲ ਦੋ ਨਾ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵੱਲ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਮਰੋੜੀ ਦੇ ਦਿਓ ਬਸ ਇੱਥੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵੱਲ ਦੇ ਕੇ ਥੱਲੇ ਇੱਧਰ ਮਰੋੜੀ ਦੇ ਦਿਓ चलो मार के साड़ी रख बस तू लाई रख फिर मार चलो मैं चलो मारी रख बस इधर देख मार्सलो मार यार चलो फिर मार बस ये ठीक है बस खोलो तारा मार बाहर कड़के निकलो चलो मारी थोड़ा बस
नजर आ रही है मैं दिखा भी ये देखें जी ये रोड पक्का से आई है ये अल्टस है 1600 ऑटोमेटिक तो अभी जो है ना इसकी हर चीज़ हमने इंजेक्टर खोल के चेक कर ली है कोयलें चेक कर ली कोयलें पहले भी नहीं डाली हुई हैं ये देखें और ये खुल खुला के आई है गाड़ी तो अभी हमने इसकी कोयलें इंजेक्टर हर चीज़ टेस्ट कर ली है फ्यूल पंप भी टेस्ट कर लिया जी
तो अभी जो है ना इसका हेड खोलने लगे हैं हम। ये गाड़ी मिसिंग नहीं छोड़ रही, मिसिंग कर रही है, इसका हेड खोलने लगे हैं जी। हेड खोलेंगे फिर देखेंगे इसको क्या है जी। ये कार रोड पक्का से आई है जी, तो हमारे बहुत करीबी दोस्त हैं जिनकी गाड़ी है, इंशाल्लाह इसको बनाएंगे जी। आप हमारे साथ साथ रहिएगा। तो एक काबला दे यार, ये टैबलेट कवर ले आओ चुक
गन ला लो उन्हें नड़च पड़ देना ऊपर गन ला लो ना दूसरी की करने आ गई तो भाई रावल चोर लग गया देख मैं उसमें कहना जी इधर दो पिस्तलों च रौला है कुछ कर के चेक कर दे चलो इन तेल लाओ साफ करो बिच नहीं करके तेल लाओ गैसकट खोल दिया हमने ये अल्टस का गैसकट है और ये क्रॉस हुआ है ये देखे
ये रोड पक्का से आई है जी गाड़ी हमारे पास, तो अभी इंशाल्लाह आप हमारे साथ साथ रहिएगा, आपको दिखाएंगे इस गाड़ी के साथ क्या करते हैं। इंशाल्लाह ये गैस का डालेंगे और गाड़ी को 100% जैसे होती है वैसे, हमारे साथ साथ रहिएगा। ये 2ZR इंजन है, 1ZR इंजन है, ये 2NZ 1NZ जब थोड़ा सा फर्क है बहुत, ये 1600 है वो 1800, तो ये एक ही इंजन है ग्रैंडी अल्टस में, बस 200 cc का फर्क है। तो ये 1ZR इंजन है, ये उसका है गैस का, तो वो हेड शेड खुला हुआ है वो भी देखते हैं। ये देखें ये सारा हेड शेड हमने खोला हुआ है, अखीर पे चोर ये निकला है जी, ये गैस कट। रोक के ब्रेक लाने ये देखें ये करोड़ पक्के वाली अल्टस है, इसका हेड खोल लिया हमने, अभी हेड फेस करने लगे हैं, तो आपको दिखाते हैं जी इसके साथ क्या हुआ है, आप हमारे साथ साथ रहिएगा। ये देखें ये उस्ताद अल्लाह रखे ने ना इसका गैसकट इसकी इधर से ख़राब कर दिया। ओ उस्ताद जी ये क्या किया, ये देखें ये इधर से ठीक है और ये देखें जी, मैंने तो सिर्फ चलाई है ये गाड़ी। की किया आपने क्या किया गाड़ी की ट्रायल ली है किधर चलाने कि जिस तरह लोग चलाते हैं उस तरह अल्टस, मैंने इसमें क्या कर दिया, ये अल्टस का हार्ड गैसकेट उस्ताद अल्लाह रखे ने खराब कर दिया जी, अभी गैसकेट ने मंगवाया हमने, इंशाल्लाह इसका हेड फेस करेंगे, ब्लॉक फेस करेंगे और इसको हेड गैसकेट जो है ना ये डालेंगे। तो ये छोटी छोटी बच्चियाँ भी आई हैं जी हमारी खेलने के लिए, तो ये देखें आप क्या करने आई हो। ये देखें ये करोड़ पक्के वाली अल्टस है, इसका हेड खोल लिया हमने, अभी हेड फेस करने लगे हैं, तो आपको दिखाते हैं जी इसके साथ क्या हुआ है, आप हमारे साथ साथ रहिएगा। ये देखें ये उस्ताद अल्लाह रखे ने ना इसका गैसकट इसकी इधर से खराब कर दिया। ओ उस्ताद जी ये क्या किया, ये देखें ये इधर से ठीक है और ये देखें मैंने तो सिर्फ चलाई है ये गाड़ी। की किया आपने क्या किया गाड़ी की ट्रायल ली है किधर कैसे चलाने कि जिस तरह लोग चलाते हैं उस तरह ये अल्टस, मैंने इसमें क्या कर दिया, ये अल्टस का हार्ड गैसकेट उस्ताद अल्लाह रखे ने खराब कर दिया जी, अभी गैसकेट ने मंगवाया हमने, इंशाल्लाह इसका हेड फेस करेंगे, ब्लॉक फेस करेंगे और इसको हेड गैसकेट जो है ना ये डालेंगे। तो ये छोटी छोटी बच्चियाँ भी आई हैं जी हमारी खेलने के लिए, तो ये देखें
आप क्या करने आई हो? ये देखे जी अल्टर से मरीज जो है ना उसको फेस कर रहे हैं, अभी फेस किया हुआ है, अभी इसको वॉश करने लगे हैं। ये देखें हेड फेस है ना ब्लॉक को, अभी वॉश करने लगे हैं इसको, फिर देखते हैं कि फेस हुआ है या नहीं हुआ। तो ये हमारा हेड बड़ा है, ये देखें अभी अभी फेस किया है इसको, लेकिन अभी भी थोड़ा फ़र्क है इसको, अभी दोबारा फेस लगाने लगे। जब ये 100% फेस हो जाएगा तो इसको छोड़ेंगे जी, हमारे साथ साथ रहिएगा। ये देखिए अभी हेड पे ब्लॉक फेस हो गया, ये पूरी टीम काम कर रही है जी। अभी जो है ना अभी फेस होने लगा जी दोबारा, पहले फेस कर रहे थे थोड़ा फर्क नहीं, अभी भी थोड़ा फर्क, ये फर्क खत्म करेंगे इंशाल्लाह, फिर आपको दिखाएंगे। आप हमारे साथ साथ रहिएगा, किस हेड क्या सबके साथ क्या करते हैं। ये देखिए ये खुला हुआ है और ये गाड़ी भी खुली हुई है, बिल्कुल नई गाड़ी है, ऐसी गाड़ी है जी। लगाओ, ये देखिए जी अभी गैसकेट लगा रहे हैं हम, फेस कर लिया है इसको, ब्लॉक को भी फेस कर लिया, हेड को भी फेस कर लिया। तो आप हमारे साथ साथ रहिएगा, अभी आपको दिखाएंगे कि इसको क्या करते हैं। ये खुला पड़ा उसका सही जो है ना, इसका मुआयना कर रहा है जी इंजन का। कितने उस लड़का कितने है ना, जुर्माना पाइए हो रहा इन्हें, कही जरा तू गैसकेट खराब किया वा हूँ उन्होंने पाउन तो आया नहीं है क्या ला दिखाइए इवें खुश होने वास्ते सही नहीं। ये देखें जी ये फेस हो गया हेड, अभी कस रहे हैं बच्चे, टीम लगी हुई है, तो अभी जो है ना ये वाश भी हो गया, कंप्लीट हो गया, अभी इसको लगाने लगे हैं। ये गैसकेट लगा हुआ है हमारा, गैसकेट हमारा लगा लिया हमने, अभी जो है ना इसको सेट करने लगे। आप हमारे साथ साथ रहिए, आपको दिखाएंगे ये अल्टस के साथ हम क्या करते हैं। ये 1.6 अल्टस है जी ऑटोमेटिक। Thank you.
थोड़ा आयल लग गया। सारा नहीं घुमा
ये देखें, ये 1ZR इंजन है और इसकी ये अपने टाइमिंग पे खड़ा है। ये आप देखें, ये टाइमिंग है इसका और वो अपने टाइमिंग पे खड़ी। दोनों कैमरे जो आप देखें ये अपने टाइमिंग पे खड़ी हैं, दोनों कैमरे अपने टाइमिंग पे खड़ी हैं। और नीचे जो है ना, नीचे भी देखें आप, ये नीचे निशान है क्रैंक के ऊपर और ये जो कैमरे हैं ये इधर खड़ी है। ये आप देखें, ये 1ZR इंजन है, ये 1ZR ये अपने डैमेज पे खड़ा है जी। ये देखिए अल्टस है, ये 15 मॉडल 1ZR इंजन है ये, और ये अपने टाइमिंग पे खड़ा है। ये आप देखें, ये पहले वाली कैम है और ये दूसरे वाली कैम है, और ये नीचे जो है ना ये क्रैंक वाला निशान है। ये आप देखें, ये अपने टाइमिंग पे खड़ा है जी 1ZR। ये हम इसलिए वीडियो बनाते हैं कि किसी को, किसी बंदे के काम आ जाए जी ये हमारी वीडियो। चले जाओ ना एक बंदा, इंजन इंजन थोड़ा इतना पड़ेगा, डाउन करना पड़ेगा, चुकना पड़ेगा कार सीधी। साओ ना थले, साथ सही ये देखे जी, ये जो अल्टस है ना इसकी हमने पूरी ट्यूनिंग करने के लिए आप दिखाते हैं आपको। तो ये देखें, अभी इसका एग्जॉस्ट हमने खोला हुआ है जो है ना, एक दिन हो गया इसमें जो पानी डाल के रखा हुआ था, हमने पानी डाला है और कास्टक डाला है थोड़ा सा, तो आपको दिखाते हैं। उधरों नीवा कर रहा, ये देखें ये कंडीशन है इसकी जाली की, ये देखें ये कंडीशन है इसकी जाली की, ये देखें। तो अभी इसको वाश करने के लिए ना एक दिन हो गया ये पानी में भर के रखा हुआ था, अभी जो निकलेगा ना वो दिखाते हैं आपको। चलो जी, ये देखें, ये देखें इतना गंदा पानी निकल रहा है, बहुत बंद था ये कचरा, कभी साफ ही नहीं हुआ ये एग्जॉस्ट इस गाड़ी का। और ये देखें, अभी हम इसको बिल्कुल 100% वाश करेंगे, आप हमारे साथ साथ रहिएगा। ये इस गाड़ी का है जी, बिल्कुल नई जैसी गाड़ी है, 1.6
नई तो नहीं है लेकिन नई जैसी गाड़ी है, बिल्कुल 100% जैसी गाड़ी होती है वैसे। बस थोड़े काम थे इसको, तो इसकी प्रॉब्लम गियर में थी और गियर की समझ नहीं थी और गाड़ी का इंजन जो है ना वो ख़राब हो गया। गाड़ी का गियर ख़राब था, ये कोयलें चेंज करते रहे हैं, करते करते इसका एडजस्टर जल गया। अभी हमने इसका गैस्केट भी डाला है और हेड को फेस किया, ब्लॉक को फेस किया, वॉश किया है इसको अच्छी तरह। और अभी ये एग्जॉस्ट रह रहा था वो भी हमने खोल के जो है ना इसको एग्जॉस्ट को रखा हुआ था, इसमें कास्टक डाला हुआ था ताकि ये पानी और कास्टक खाल करके जब ठंडा हो जाए तो इसमें डाला हुआ था। एक दिन खड़ा रहा है ये, अभी जो है ना माशाल्लाह ये फिट करेंगे गाड़ी को। और बाकी गाड़ी जो है ना ये हमारी तकरीबन 70% फिट हुई हुई गाड़ी है। ये देखो 70% हमने फिट की हुई है जी गाड़ी। तो इंशाल्लाह थोड़े काम रह रहे हैं, ये छोटी मोटी चीज़ें पड़ी हैं जी, अब ये कंप्लीट लगा देंगे इसका, फिर इंशाल्लाह इसको स्टार्ट करेंगे। घंटा डेढ़ लगेगा इंशाल्लाह इसको स्टार्ट होने में। नहीं हमारे साथ साथ रहिएगा, आपको दिखाएंगे कि क्या करते हैं जी इसके साथ। कथलाटक वो सिलेंसर जो है एग्जॉस्ट इसका वो साफ़ हो गया अभी, वो देखें तो इसका वो पानी शानी मार रहे हैं, साफ़ हो जाएगा इस गाड़ी को लगाएंगे इंशाल्लाह, फिर ये गाड़ी 100% हो जाएगी। इसकी कोई चीज़ नहीं हमने छोड़ी जी, इसका फ्यूल पम्प फिल्टर खोल के वॉश कर लिया, इसके इंजेक्टर वॉश कर लिए, हर चीज़ खोल के हमने एक दफ़ा 0 मीटर की तरह कर। अभी इंशाल्लाह चलाएंगे तो समझ आएगी ये क्या करती है जी गाड़ी। आप हमारे साथ साथ रहिएगा। चलो ये देखिए जी, ये 10-40 आयल डालने लगे हैं, चलो तो वहीं इधर आए हैं। चलो ये 10-40 आयल डालने लगे हैं इस गाड़ी में जी, इंशाल्लाह थोड़ा वक्त और लगेगा इसको स्टार्ट होने में। आप हमारे साथ साथ रहिएगा, आपको दिखाएंगे उस गाड़ी के साथ क्या करते हैं, कैसे स्टार्ट होती है। थोड़ा सा लंबा सलफ लेगी क्योंकि हमने जो मिट्टी का तेल है कैरोसिन होता है उसके साथ इसको वॉश किया हुआ है, जो पिस्टन है रिंग है उसमें ऑयल नहीं है, तो थोड़ा सा लंबा सलफ लेगी क्योंकि जब सलफ लगाएंगे तो पहले रिंगों में ऑयल शायल आ जाएगा, जब इंजन में ऑयल चढ़ जाएगा तो ये स्टार्ट होना शुरू होगी गाड़ी। तो ऑयल करने के लिए थोड़ी इंजन को घुमाना पड़ता है जी, और जब इंजन अच्छी तरह घूम जाता है उसमें ऑयल शायल पिस्टन रिंग में आ जाता है, रिंग खुश्क होते हैं, पहले कैरोसिन खुश्क कर देता है, तो स्टार्टिंग थोड़ी लंबी होती है और होती है इंशाल्लाह। अब हमारे साथ साथ रहिएगा, आपको दिखाएंगे ये गाड़ी कैसे स्टार्ट होगी। हमारे साथ साथ रहिएगा, टीम लगी हुई है जी इसको, लावर लगा हुआ है, अभी इंशाल्लाह थोड़ा टाइम घंटा डेढ़ लगेगा तो अभी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। ये मेहरान भी तैयार होगी, ये स्टार्ट करी है अभी, ये देखें क्लच ब्लेड डल गई उसकी। ये देखें जी, ये फिल्टर लगाने लगे हैं, ये इसका पुराने वाला फिल्टर है और ये नए वाला फिल्टर है। चलो रिंग तो नहीं चले आगे भाई, बॉडी रिंग होना ही नहीं। हाँ
फिर मार चल हूं ना रखो इन साफ करो
पहले ठुस 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 कर दी सी प्लेन आवाज दे रही है पहले ठुस 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 कर दी ये देखें जी माशाल्लाह हमारी जो अल्टस है ना अल्टस ये स्टार्ट खड़ी है अभी हमने स्टार्ट कर लिया एसी ऑन किया हुआ है एसी बंद कर उसका जरा अभी एसी ऑफ करने लगा जी बच्चा ये देख ये अभी इस इंजन का जो एसी है ना ये ऑफ हो गया अभी ये ओरिजिनल साउंड में खड़ी है गाड़ी और ये देखिए ये 1.6 है जी अभी बिल्कुल 100% होगी स्लो क्योंकि एसी ऑफ हो गया एसी ऑन होने से रेस थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है आरपीएम जितना गाड़ी को चाहिए उतना बढ़ा लेती है तो ये देखें स्टार्ट खड़ी है एसी ऑन करो जी ताजी ज़रा ये देखें अभी एसी ऑन होगा इस गाड़ी का अभी एसी ऑन हो गया और गाड़ी ने आरपीएम जो है ना ये बैलेंस कर लिया इस गाड़ी को कंप्रेसर भी बड़ा लगा हुआ है लेकिन फिर भी 1600 सीसी इंजन है वो मानता ही नहीं 10,000 RPM पूरा करती है गाड़ी और ये देखें इस गाड़ी का साउंड है हमारा तो ये अगर छोटी सी वीडियो हमारी आपको पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें ये स्टार्ट करी है और इसका साउंड देखें माशाल्लाह ये साउंड लेस इंजन होते हैं जी ऑटोमेटिक टैपर्ड वाले तो इसमें साउंड इसका खुद ब खुद ही ऑटोमेटिक ओके हो जाता है अगर इंजन सही बना हुआ हो तो इसको साउंड में मसला नहीं आता
ये छोटी सी वीडियो हमारी आपको पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें और अगली वीडियो तक हमें इजाज़त देंगे।